दोस्तों गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक अगेन, आप सभी का स्वागत है अनीता जी की दुनिया में। और हम लोग जा रहे हैं आज शूटिंग, तो रुचि करते हैं पर शूटिंग के बाद जो होता है मूवी देखने जा रहे हैं, और वो भी विद फैमिली। आओ मम्मी, मम्मी की मूवी लगी है सिनेमा हॉल। और देखो भाई, मम्मी और मैं मैचिंग है। पहले अंजलि ने पहना था पर उसने चेंज कर लिया। कोई नहीं मम्मी, धोखेबाज है मम्मी। पापा भी मैचिंग नहीं कर रहा। आपका चश्मा रह गया, चश्मा ले लिए। चलो भाई चलते हैं, बेचने का मन नहीं कर रहे, लोग बेचने के लिए कह रहे हैं। इससे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। आराम से आपको स्टोरी बताऊंगा पूरी। चलो तो देख रहे हैं, सब बैठ गए हैं, चल दिए हैं मूवी देखने। मूवी देख रहे हैं, गाड़ी में क्योंकि लेट हो गए हैं तो मूवी यही देख लेते हैं। अब आधा तो छूट ही जाएगा, आधा बचा है तो देख लेंगे। इधर इतना जाम लगा है रोड पे, इतना जाम कि क्या बताएं। गन्ना का जूस। भाई आखिरकार पहुंच ही गए, आधा मूवी गाड़ी में देखे हैं वही वाला मूवी, और आधा अब थिएटर में देखेंगे। आखिरकार पहुंच गए। इस साइड मम्मी यही अपना। तो भैया जी चलेगी नेक्स्ट टाइम, तो आप देख सकते हो। मूवी कैंसिल होगी, कैंसिल हो गया तो टेक्निकली चल रहा है, मूवी चल रहा है। तो फिर अब कौन सी फिर? भैया जी मूवी है, भैया जी नहीं देख पाएंगे तो फिर वो तो आधी खत्म हो गई होगी। नहीं, वो अगले शो में 1 बजे के शो में। 1 बजे के शो में तो फिर इसी का रिफंड उसमें होगा। तो कौन सा आप यहाँ पे लिखवा दीजिए अपना कॉन्टेक्ट नंबर। इधर बैठे हैं हम और लाला जी, मूवी कैंसिल हो गई, दूसरा देखेंगे उसी पैसा में, दूसरा मूवी देखेंगे। उसको तो आधा देख लिए हैं हम गाड़ी में ही, फायदे में रहेंगे। तो फायदा ही फायदा है। देख रहे हैं खाने पीने का कितना सामान है, ऐसा कुछ बना हुआ है। इसके अंदर चल रहा है मूवी, ले रही है। लक्की कहाँ बैग रखने गया है? पीवीआर के वॉशरूम बड़ा मस्त है जी। आई थी वॉशरूम, आई थी देख रहे तो बड़ा अच्छा बना हुआ है, तो दिखा दी आपको कैसा लगा बताइएगा। एक तो 11 बजे की मूवी है और हम लोग 12 बजे आए हैं और मूवी कर दी इन लोगों ने कैंसिल। बोल रहे हैं 1 बजे लगेगी, तो अब हम कह रहे हैं मूवी कैंसिल हो गई, चलो पेट पूजा करते हैं। चलो वो मूवी आधी छूट गई थी तो पापा ने खूब डांटा है मेरे को। अभी पूरी मूवी देखेंगे, एड तक देखेंगे। कोई नहीं आएगा, ये देखिए इतना बड़ा, मत करो भाई। एड भी देखेंगे सब। देखिए आखिरकार हम लोग आ गए हैं मूवी देखने। कोई नहीं भाई, कैंसिल कर दी पर क्या करें, अब वैसे भी हम लोग लेट ही थे। अब फुल मूवी देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे ना। फुल रूम देख रहे हैं, इतना बड़ा हॉल है, लेकिन लग रहा है कि हमारे लिए ही खाली बुक हुआ है कादू। आसपास में खाली है भाई, पूरा खाली है। ऐसा क्यों चल रहा है? देखा तेनू पहली पहली बार वे तो भाई देखो अभी इंटरवल हुआ है और हम लोग सोच रहे हैं मम्मी के लिए पॉपकॉर्न ले लें, पापा के लिए भी। भाई मूवी शुरू हो चुकी है, मूवी मस्त है, पापा को तो मजा ही आ गया आज। आपका अपना
इंस्टाग्राम #themahipe 8 महीने पहले तक महिमा क्रिकेट के बारे में सोच भी नहीं रही थी। मम्मी और अंजलि को तो बहुत पसंद आई और अब चलेंगे घर। चलो खत्म हो गई, चलो पूरा हॉल खाली हो रहा है धीरे धीरे। चलो चलो आजा। तो इतना अच्छा लगा मूवी दोस्तों, मैं क्या बताऊं, मन तो कर रहा कि एक बार और देख ले। दोस्त भी मिल गए तो पूछे मत, और अच्छा लगने लगा। तो बोल रहे कि आप भी आ गए देखने के लिए। अब हाँ मतलब फ्री का था तो फ्री वाला छोड़ती नहीं। मतलब मैं ज्यादा नहीं, 1000 की टिकट थी आज की टिकट 1000 का था, लेकिन 99 में मिला था। पर मम्मी को पूरी छूट दी है, 10% पर टिकट देखिए। आज ना जो मूवी थी ना, मतलब इतना अच्छा था, क्रिकेट के बारे में था। क्रिकेट ना मेरे को लाला जी ने जब शादी हुआ था तब मेरे को समझाते थे एक पेपर पे, पेपर पर समझाते थे कि ये ऐसा है, ये ऐसा करा जाता है। तो मैं बोल रही हूँ पता नहीं क्यों मेरे को सिखा रहे हैं, पापा सिखा रहे थे मेरे को। पापा सोच रहे थे कि आप भी क्रिकेटर बन जाती। बहुत बार सिखाए नहीं, तो मैं बोली पता नहीं इनको क्या लगता है। मम्मी चलो पहला सवाल आपसे एक बहुत आसान सा, मूवी का नाम बताओ। मूवी का नाम देखा नहीं है तो भूला गए नहीं। मैं हीरोइन। पापा मूवी का नाम बता रहे पापा। मिस्टर और मिसेज माही, मतलब इतना मस्त मूवी है ना कि क्या बताए। हाँ मेरे को तो बहुत अच्छा लगा भाई, और फुल फैमिली के साथ हम लोग देखे तो अच्छा भी लग रहा था। इसकी क्वालिटी अच्छी थी, मेरा मन कह रहा कि चलो अगली मूवी भी देखूंगा। तो ये लेकिन ना दिल्ली में दूसरी बार मैं मूवी देखने मैं भी मम्मी आई हूँ ना। मैं भी हाँ, कितना बुरा दिन चल रहा है, मम्मी दो ही बार मूवी देखी है। मैं तो हर जगह देखी हूँ। अंजलि मुंबई में भी देखी थी और दिल्ली में भी 2-3 बार देखी है। ये समझाते थे ना कि ऐसे ऐसे क्रिकेट होता है, मैं मतलब लगता था कि मेरा माइंड लगता था ना कि मेरा माइंड ही नहीं है। और मुझे पता नहीं क्यों मेरे को समझाते हैं, तो आज मेरे को मतलब अच्छा लगा ये वाला क्रिकेट वाला मूवी। और ये ना क्रिकेट का इतना बेसब्री से इंतजार करते थे कि मतलब ना टीवी के सामने ना पहले से ही बैठ जाएंगे, तो मेरे को गुस्सा आता था पहले कि पता नहीं क्यों क्रिकेट के पास बैठ जाते हैं रोज दिन। हाँ रोज दिन बैठ जाते हैं क्रिकेट, चाहे कोई भी खेल आ जाए वहाँ बैठे रहेंगे। तो इनके साथ साथ में देखते 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 मेरे को भी आदत लग गया तो अच्छा लगने लगा। आपके चश्मे लेने, तब यहाँ से ना हम लोग चश्मा लेने भी जाएंगे, अपना चश्मा बन गया। सिखाए बाबा मम्मी को आप ये फुटबॉल, जैसे फुटबॉल हम लोग यहाँ पे खेलते हैं ना। हाँ। तो फुटबॉल आसान खेला है, क्रिकेट टफ है, थोड़ा इंग्लिश में सारा नाम है, इंग्लैंड का खेला है, इंग्लिश में नाम है, तो लोगों को थोड़ा कम समझ में आता था। तो मैं इसीलिए बताता था कि मतलब अगर कहीं मैच वैच होता है, वर्ल्ड कप होता है, उसको देखना होता है, तो दो आदमी अगर देख रहा है तो एक आदमी को समझ में नहीं आएगा कि फुल टॉस बॉल है, वाइड बॉल है, क्या फेंक रहा है। इनको सिखा इसलिए रहे थे, सिखा रहा था इसी वजह से आप मैच देख पाओ। आपको तो क्या करना था, जब पापा ओ शिट बोले या ओ तेरी बोले या गई ले बोला, तो आप भी बोलो गई ले गई ले। समझ आए से ना आए। चलो अभी चल रहे हैं हम चश्मा लेने, क्योंकि चश्मा बन चुके हैं, तो हमने सोचा कि बाहर निकले हैं तो चश्मा भी ले लेते हैं। इतना बड़ा एक बाल्टी हम पॉपकॉर्न खाए हैं आज। हाँ इतना बड़ा गिलास भी लेके आई हूँ, दिखा गिलासवा दिखाओ दिखाओ, वो फेंक दिया करे। और स्ट्रॉ अपने घर पे नहीं है? हाँ पाइप भी इसमें लगा था, उसको पी हूँ। क्या था ये? ये लेमनेट है। ये लेमनेट है, ठीक है। फ्रेंड्स कार्ड आ गए भाई, चलते हैं। आप लोग अपने अपने चश्मे ट्राई कर लो, ठीक है। ये पास करने के लिए रेडी किया।
बड़ा शौक पानी का लगे। ये देखिए दिल्ली में कैसे खेती होती है, छत पे हवेली की तरह बनाया।